नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। दक्षिण दिल्ली स्थित सीआर पार्क में मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के बाद हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ रमेश चंद्र ने मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री के साथ खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। और हमारे साथ अजय भट्ट जी हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है। सर, आज मन की बात की कड़ी में क्या कुछ आज मेन बिंदुओं के ऊपर मोदी जी ने बात कही है, थोड़ा बताएं। आज ही नहीं, आज तक जितनी भी सीरीज मन की बात की आई है, मैं बहुत ध्यान से उनको सुनता हूँ और सुना भी है जी। एक से एक चीजें जो किसी को कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने उत्तराखंड की बात बोली, हिमालय के क्षेत्र की तो दक्षिण भारत की बात भी बोली, चाहे केरल या तमिलनाडु की हो। पश्चिम बंगाल की बात भी बोली तो उन्होंने बिल्कुल सेवन सिस्टर्स की बात भी बोली। मध्य प्रदेश, कोई प्रदेश ऐसा छोटा नहीं है जहाँ की डिग्निटीज और जहाँ के छोटे छोटे व्यक्ति जो आगे देश को बढ़ा रहे हैं, अपने को सक्षम बना रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, हर चीज को उन्होंने हमको बताया जिसका ज्ञान हम लोगों को भी नहीं होता है जी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मन की बात को हमेशा देखना ही चाहिए, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। अब आप देखिए कि 15 अगस्त को हमने राष्ट्रगान गाना है भाई, हम भूल गए थे, हमने समझ लिया था कि बच्चों का है, कॉलेज में गाएंगे या जहां झंडा फहराएंगे वहां पर गाते हैं। क्यों, ये हमारा है, इसके आन बान शान के लिए, तिरंगे के लिए हमारे जवानों ने, हमारे शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस समय अपनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए ये भी हमको आज बताया है कि उस दिन झंडा हर घर पर फहराएगा, खादी को भी बढ़ावा मिला और हमारा मन भी जागृत हुआ कि ये वही झंडा है जिस समय हमारे जवान भारत माता की जय करके कुर्बान हो जाते हैं इस पर और जीत के झंडा फहराते हैं। क्योंकि जितना मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी उतने ही मजबूत हो रहे हैं। आज कांग्रेस और विपक्ष के अच्छे लोग भी अंदर से ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और कहते हैं कि देश अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, मोदी जी की जरूरत देश को है। समस्त यहाँ पर जो विधानसभा की जनता और आप, भव्य स्वागत सत्कार के साथ यहाँ पर लोकल जनता आपके साथ आज मौजूद रही, इनके लिए क्या बोलना? सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि मोदी जी के पद चिन्हों पर हम लोग चलें, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो देश के लिए कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए कहें, घर के लिए करें और साथ में परोपकार करें और देश के लिए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हमारे साथ बात करके तमाम लोगों पर बात की। आप जुड़े रहिए इस कड़ी में प्राइम टीवी के साथ, अनेकों इंटरव्यू के साथ हम रूबरू कराने वाले हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए जय हिंद। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।